ओके तो सबसे पहले स्प्रे की बात करते हैं योगेश्वान जी, स्प्रे का अगर मैं देखूँ तो स्प्रे जैसे आप सीडलिंग में स्प्रे करते हैं तो एग्जैक्टली सेम वैसी स्प्रे आपने एमिनेंट रूटस्टॉक में भी रखनी है जी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एमिनेंट के लिए आपने कुछ अलग से स्प्रे करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेनली हम स्प्रे फंजीसाइड की स्प्रे कर रहे हैं, वो हम बीमारियों से प्लांट को बचाने के लिए कर रहे हैं जी। अब मेन बीमारियां मैं आपको बता देता हूँ जो हमारे एरिया में जो सबसे ज़्यादा मेन प्रोन बीमारियां हैं, वो एक तो आपका पाउडरी मिल्डो। देखो हम M9 पे मोस्टली गालास में ज़्यादा, जो गाला वेराइटीज़ के ऊपर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा गालास को पाउडरी मिल्डो एक बीमारी है, ये बहुत परेशान करती है जी। ये हमें शुरू से ही कंट्रोल करना होता है पाउडरी मिल्डो। अगर ये स्टार्टिंग एजेस में जब इसके जो स्पोर्स होते हैं, अगर उस पर जब स्पोर्स बनते हैं, अगर हम उसको उस टाइम पे कंट्रोल कर लें तो आगे ये ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम रहती है, लेकिन कम प्रॉब्लम रहती है पाउडरी मिल्डो जी। इसके लिए कौन सी दवा, इसके लिए अब मैं आपको प्रॉपर शेड्यूल वाइज बताता हूँ कि आपने शुरुआत कहाँ से करनी है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बीमारी के बारे में पहले बताता हूँ, क्योंकि फंजीसाइड डालने से पहले बीमारी का जानना ज़रूरी है कि हम क्यों बीमारी, कौन सी बीमारी है और हम क्यों उसमें कौन सी चीज़ डाल रहे हैं जी। वो चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया पाउडरी मिल्डो, ठीक है जी। इसके बाद स्कैब, वैसे स्कैब पिछले काफ़ी सालों से हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी आप एज अ प्रिकॉशनरी इसके लिए काम करें। एक हमारा कोरॉट हो गया, वो हमने पिंक बट पर कोरॉट की स्प्रे करनी है, वो मैं आपको भी जो हमारा फंजीसाइड है वो बताऊंगा कौन सा हमने यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद जो सबसे दो सबसे और मेन बहुत ही ज़रूरी जो फंगस है, जो मैं समझता हूँ जो मैं कंट्रोल करने की जरूरत है, एक अल्टरनेरिया है, एक मार्सोलिना है जी। अल्टरनेरिया क्या होता है, जो आपके लीव्स होते हैं लीव्स में ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स से आने शुरू होते हैं जी। और मार्सोलिना से क्या होता है, मार्सोलिना से जो पत्ता है वो येलो, पूरा पत्ता पूरा येलो हो जाएगा, येलो के गिर जाता है। मार्सोलिना और अल्टरनेरिया आपका 55 से आपका 60 दिन से पहले ये नहीं आता है, इसके बाद ही आता है मेनली बरसात में। तो 55 से लेकर आप ये रखिए 60-65 दिन तक हमने अल्टरनेरिया मार्सोलिना को टारगेट नहीं करना है। इससे पहले हमने पाउडरी मिल्डो को टारगेट करना है, स्कैब को टारगेट करना है, आपका जो क्या कहते हैं आपका आप शेड्यूल बता रहे हो जो फर्स्ट ईयर, हाँ मैं फर्स्ट ईयर से कितनी स्प्रे का शेड्यूल आपको सब प्लांटेशन से करना है जी, और आपको कोरॉट को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं जो हमने सबसे फर्स्ट स्प्रे देनी है, सबसे फर्स्ट स्प्रे हमने देनी है हमारा जो TSO ट्री स्प्रे ऑयल। ये TSO हमारा आउटसेट जो है वो 5500 फीट की हाइट में, मैं आपको बता दूँ इस हाइट पर अगर हम TSO मिड जनवरी या फिर स्टार्टिंग फरवरी में अगर हम इसकी स्प्रे देते हैं जी, तो इसका सीधा सा फ़ायदा क्या होता है, हमारी जो फ्लावरिंग होती है वो 1 वीक अर्ली आती है और वो के कंपैरेटिवली जी। तो इसका एडवांटेज कहाँ होता है, हम अगर हमारी फ्लावरिंग अर्ली है, हमारी सेटिंग भी अर्ली होगी और हम हार्वेस्ट भी 1 वीक अर्ली कर रहे होंगे और जितने भी ग्रोवर्स हैं जी। सबसे पहले हमने HMO की स्प्रे देनी है, सॉरी अपना TSO की स्प्रे देनी है, ये हमने देनी है फरवरी के स्टार्टिंग वीक में जी, या फिर हो सके तो इसको जनवरी के 18 to 20 जनवरी के बाद से हमने इसकी स्प्रे M9 में कर देनी है जी। इसके बाद सेकंड जो सबसे मेन स्प्रे है वो आती है पिंक बट की स्प्रे, ये बहुत ही क्रूशल स्प्रे होती है, ये आपने कभी भी स्किप नहीं करनी है। इस स्प्रे में आपने मैं अपनी बात बताऊँगा, मैंने इस स्प्रे में 3 मेन चीज़ें डाली थी जी। तो सबसे पहली चीज़ मैंने डाला था इसमें कार्बेंडाजिम, जो हमारा बेविस्टिन के नाम से आता है, ये 100 ग्राम्स पर 200 लीटर्स ऑफ वाटर, पहली ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ होगी सबसे ज़रूरी चीज़ जो इन दिस टाइम हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है 12-61। एक्चुअली 12-61 में आपका नाइट्रोजन 12% है और 61 इसमें फॉस्फोरस होता है। फॉस्फोरस का रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए, जो हमारी फ्लावर्स होता है, फॉस्फोरस का रोल आपको जो फ्लावर होता है, फ्लावर को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है और ये चीज़ इंश्योर करता है कि फ्लावर शुरू से लेकर जब तक पेटल फॉल ना हो जाए तब तक वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे जी। आप जैसे ही 12-61 की आप स्प्रे दोगे तो आपको विजिबली आपको दिख जाएगा कि नहीं, मेरे फूल में बहुत जान है,
जितना आपका स्ट्रॉन्ग फूल रहेगा उतनी आपकी टेंडेंसी फ्रूट सेटिंग के लिए ज़्यादा रहती है जी। ये चीज़ आप इंश्योर कर लें कि आपने पिंक बट पे आपने हमेशा 12x8 देना ही देना है। और थर्ड सबसे मेन चीज़ है वो बोरॉन है जी। बोरॉन का काम क्या होता है, जो आपकी पोलन ट्यूब होती है ये इसको ना थोड़ा सा इलोंगेट कर देता है, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 48 आवर्स से बढ़ा के कहीं जाके इसको 72 आवर्स तक लेते हैं, यानी कि 3 दिन तक। इन केस अगर बारिश कुछ भी आ जाए, अगर जो हनी भी है वो प्रॉपर पॉलिनेशन आपके फ्रूट का ना कर पाए, तो जब आपका इलोंगेशन टाइम बढ़ गया, फ्लावर का टाइम अगर बढ़ जाए, तो हनी बी को भी ज़्यादा टाइम लगता है आपके फूल को पॉलिनेट करने के लिए। जी जी। ये जो तीन चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ें आपने ध्यान रखनी, ये बहुत ही अर्जेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके जो आपकी पिंक बर्ड की स्प्रे है। ठीक है, पिंक बर्ड की स्प्रे होगी। अब इसके बाद आती है पेटल फॉल की स्प्रे। पेटल फॉल पर आप इन दिस टाइम जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपने कंट्रोल करनी होगा पोटिंग विंडो जी। इस टाइम पे आप एक लूना एक्सपीरियंस करके एक प्रोडक्ट है बायर्स का जी, इसमें आपका टाइबुकोनाजोल प्लस आई थिंक फ्लाइपायरम करके एक सॉल्ट है, आप इसको दे सकते हो। आप स्कार्डिस प्लस, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप माइक्रोबोटेनिल जो इंडेक्स नागार्जुना का आता है, आप इसको दे सकते हो। ये तीन प्रोडक्ट में से कोई भी चीज़ आप इस टाइम पर पेटल फॉल पर आप ज़रूर रखें, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आपने अपना पाउडरी मिल्ड्यू कंट्रोल कर दिया, तो थ्रू आउट द ईयर आपको पाउडरी मिल्ड्यू उतना परेशान नहीं करेगा। इनकेस अगर कहीं आपको विजिबली अगर आपको दिख रहा है कि हाँ मेरे पास एक ब्रांच में पाउडरी मिल्ड्यू है, तो आप मैन्युअली अपना सीजर लें, उसको काट के उसको अलग जगह, या तो उसको जला दें, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दें, या फिर आप उसको जला ही दें जी। जो उसका जो स्पोर है वो बिल्कुल भी आगे वहाँ से नहीं फैलेगा जी, जी। तो आप इसको इस टाइम पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। फिर इसके बाद पीनट स्टेज पे लगभग कोई आपका 45 डेज के करीब करीब, जब आपका फ्रॉम ब्लूम टू 45 डेज के करीब करीब, आप इस टाइम पे आप रोको कर सकते हो थायफिनिट मिथाइल। वैसे इतना ज़्यादा अर्जेंट भी नहीं है, पर चलो आप एक सीरियल बना रहे हो तो आप थायफिनिट मिथाइल रोको कर सकते हो। अब स्टार्ट होता है हमारा अल्टरनेरिया और मार्सोलिना के लिए इन्फेक्शन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोन हो चुका है हमारे एरिया में जी। आप जो भी कर लो, ये इससे हम बच ही नहीं सकते जी। तो अब और ये आपका आना स्टार्ट कब से होता है, ये आना स्टार्ट होता है जो तो आपका शेडी पोर्शन है जी। सपोज आपके पास दो पोर्शन है बगीचे के, एक थोड़ा सनी पोर्शन है, एक शेडी पोर्शन है। शेडी पोर्शन में ज़्यादा जल्दी आता है, क्यों? क्योंकि बरसात बारिश उसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि इसका जो फेवरेबल टाइम होता है मल्टीप्लाई करने का वो आपका बरसात का टाइम, जो थोड़ा आपका 8 डिग्री से लेकर 24 डिग्री के बीच का टेम्परेचर है, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है। शेडी पोर्शन में लगभग आप रखें 55 दिन के बाद से पर ये इन्फेक्शन शुरू होना शुरू होता है, और सनी पोर्शन में लगभग 62 से 65 दिन के बाद ये इन्फेक्शन शुरू होता है। तो आपने यहीं से ही, यानी कि जो आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून है, ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड है अल्टरनेटिव मार्सोलिना के लिए। अगर आपने इसको यहाँ पे कंट्रोल कर दिया तो थ्रू आउट द ईयर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पॉइंट पे आपने क्या स्प्रे करनी है, अभी तक आपका थोड़ा लोअर ग्रेड का सॉल्ट आ रहा था, अब आपने थोड़ा सा ना हाई ग्रेड का सॉल्ट लेना है, जैसे आपका जोल ग्रुप हो गया, आप टेबुकोनाजोल ले सकते हो, टेट्राकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल, आप ये ग्रुप ले सकते हो। इसमें मैं आपको अपनी बात बता दूँ, मैं अभी तक जो इस स्टेज पे जो स्प्रे करता हूँ, मैं नेटिवो स्प्रे करता हूँ जी। तो नेटिवो इस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए काफ़ी इफेक्टिव है जी। तो आपने इस टाइम पे नेटिवो देना है। इसका नेटिवो का असर लगभग 15 से 18-20 दिन तक आपका रहता है। और एक चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, नेटिवो के साथ आपने कोई भी माइक्रोन्यूट्रेंट, कोई भी आपका माइक्रोन्यूट्रेंट एनपीके कुछ भी नहीं डालना है, खाली आपने नेटिवो की स्प्रे करनी है। अगर आप इसको खाली स्प्रे करोगे तो इसका इफेक्ट काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है, और इसका काफ़ी अच्छा असर रहता है जी। नेटिवो के बाद आपने जो सेकंड सॉल्ट डालना है, वो आपने एक कॉम्बो प्रोडक्ट डालना है जी, आपका कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टेमिक दोनों। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड क्या होता है, कॉन्टैक्ट फंजीसाइड जैसे आपका मैनकुसिब हो गया, आपका एंट्रोकॉल हो गया, आपका कप्टान हो गया, ये आपके वो फंजीसाइड होते हैं जो कॉन्टैक्ट में आके रिएक्शन करते हैं जी जी। कॉन्टैक्ट में मैं आपको थोड़ा ईजी लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा। सपोज आपका एक फंजीसाइड है,
सिस्टमिक इंसेक्टिस फंजीसाइड क्या करता है, वो प्लांट के अंदर सिस्टम में जाके लॉन्ग टर्म तक आपका प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा। बट जो आपका कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है ये तभी तक काम करेगा जब तक ये फंगस के कॉन्टैक्ट में है। जी। तो अब क्या है, अब आपको फंगस को नेटिव आपने दे दी, इसके एग्जैक्टली 18 से 20 दिन के बाद आपने एक कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक फंजीसाइड का मिक्सचर देना है। मैं आपको दो चार चीज़ें बता देता हूँ आप किस किस चीज़ को कर सकते हो। जी। एक तो आपका डाइथिन, जो आपका M45 आता है यूथिन करके, इसमें मैनकोजिप होता है, आप मैनकोजिप प्लस कार्बेंडोजिम आप ये ट्राई कर सकते हो। आप मैनकोजिप प्लस रोको आप ये भी ट्राई कर सकते हो। जी। आप एंट्राकॉल प्लस रोको, ये भी काफ़ी इफेक्टिव जो फंजीसाइड जो मैं समझता हूँ बहुत इफेक्टिव है, आप इसको दे सकते हो। और इनकेस अगर आपको स्कैब के लक्षण नज़र आ रहे हैं तो एक बहुत ही इफेक्टिव फंजीसाइड है, आप इसके कॉम्बो को भी यूज़ कर सकते हो। ये है डोडिन प्लस कोर, डोडिन प्लस कोर का जो इफेक्ट है ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। ये आपका अल्टरनेरिया मार्सोनिना और आपका स्कैब को भी ये आपस में साथ में कंट्रोल कर लेगा। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्प्रे है वो लगभग आप ये रखिए कोई 15 से 18 या 20 दिन के बाद आपने अगेन एक और स्प्रे देनी, क्योंकि अभी आप जो है अभी आपने जून कंट्रोल कर दिया, जुलाई आपने कंट्रोल कर दिया, अब बात आती है अगस्त की। लो हाइट में हमारे वैसे जुलाई 20-25 के बाद से हमारा हार्वेस्ट स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग तो लास्ट स्प्रे इसके बाद हमने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की देनी है, ब्लैटॉक्स जिसे हम कहते हैं, इसकी स्प्रे हम देते हैं। मैं थोड़ा सा जो 7,000-8,000 फीट के जो ग्रोवर हैं मैं उनके लिए एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जी। वो इस टाइम पे अगर आप एक स्प्रे और करते हैं लूना की, जी लूना बायर्स वालों की लूना है, अगर आप इस स्प्रे को करते हो तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं फ्रूट फिनिश में, जो फ्रूट की जो फिनिश है शाइन है वो बहुत अच्छी आती है। और इस टाइम पे आप क्या करें, आप अलग से स्प्रे करें कैल्शियम क्लोराइड प्लस हल्का सा उसमें ना बोरॉन आप जरूर ऐड करें। कैल्शियम क्लोराइड और बोरॉन, कैल्शियम क्लोराइड लगभग कोई 800 ग्राम से लेकर 1 किलो तक अगर आप इसकी स्प्रे करते हैं तो जो लास्ट की फ्रूट फिनिश है वो आपकी बहुत उम्दा आती है। जी जी। एक आप लूना लास्ट में करें। जी। एक आप बट लूना आप सेपरेट करें, उसके बाद आप ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सॉरी आपका आपका कैल्शियम क्लोराइड प्लस बोरॉन ये आप जरूर स्प्रे करें। इसके साथ मैं आपको अल्टरनेट 2-3 स्प्रे में और आपको बता देता हूँ जो आप ट्राई कर सकते हैं। एक आप ये कर सकते हैं, एक आप शमीर कर सकते हैं। शमीर में आपके पास कैप्टान प्लस टैबुकोनाजोल है, ये एक अच्छा अल्टरनेट है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। कैप्टान भी काफ़ी अच्छा, कैप्टान हो गया आपका, एंट्राकॉल हो गया, ये बहुत ये जो फ्रूट की जो फिनिश होती है ये फ्रूट की फिनिश लाने में बहुत हेल्प करता है। जी, जी, आप जी। आप जितने ही प्रोग्रेसिव ग्रोवर आप उनके जब आप फ्रूट को देखते हो, जब वो ब्रश में जो मशीन होती है उसमें जब ब्रश में जब फ्रूट चढ़ता है तो आप देखते हैं कि लास्ट का जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत शाइनी होता है। जी। उस शाइनी होने का रिजल्ट यही है कि वो या तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस बोरॉन उसकी स्प्रे कर रहे हैं, या फिर वो अपना जो लूना है ये कर रहे हैं, आपका कैप्टान प्लस टैबुकोनाजोल ये कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी अच्छी फ्रूट फिनिश आती है। लास्ट में जब आपका हार्वेस्ट हो गया, लास्ट स्प्रे आपका है, ये सबसे ज़रूरी है। ये आपका जो पेड़ में अगर कहीं कटिंग है, कहीं आपका बीमा टूटा हुआ है, तो इस चीज़ से क्या होता है, इस चीज़ से हमारे ऑर्चर्ड में कैंकर के जो लक्षण है वो आने शुरू होते हैं। लास्ट में आपने एक आपने जिंक प्लस उसके साथ आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हार्वेस्टिंग के लगभग कोई एक हफ्ते बाद आपने जिंक प्लस इसके साथ आपने कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये देना है, प्लस आपने मैग्नीशियम देना है। एक प्रोडक्ट है यारा का बड बिल्डर, इसमें 24% के करीब आपके पास मैग्नीशियम है, इसमें मैग्नीशियम जिंक बोरॉन एंड आई थिंक इसमें एक और माइक्रोन्यूट्रिएंट, आई थिंक इसमें सल्फर है, तो ये चीज़ आप इसमें लास्ट में दे सकते हैं। तो ये मेरा कंप्लीट थ्रू द ईयर का जो स्प्रे शेड्यूल है ये था।